21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने 9 समन्स स्किप किए थे ईडी के। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बेसिकली ये जो समन है ये उस केस को लेकर है जिस केस को लेकर मनीष सिसोदिया अंदर हैं, और जो केस चल रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे वो है दिल्ली लीकर पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो गए। और बोलो करोना भाई आगे सॉल्व। और अरेस्ट होने से 2 घंटे पहले दिल्ली के हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया, और उसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से ही उठा लिया। गजब बेइज्जती है। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने में ऐसे दूसरे मिनिस्टर हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, और अरविंद केजरीवाल इंडिया के पहले ऐसे सिटिंग सीएम हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। और इससे पहले झारखंड के सीएम हेमंत को अरेस्ट किया गया था लैंड स्कैम के केस में, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका रिजाइन देने का कोई प्लान नहीं है, वो जेल से ही ऑपरेट करेंगे। लेकिन जेल से किसी भी सीएम को ऑपरेट करना काफी मुश्किल है। तो अब बात कर लेते हैं कि किसी भी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 361 के हिसाब से सिर्फ 2 लोगों को उनके कार्यकाल में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जो पहले व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो दूसरे हैं वो है किसी भी स्टेट के गवर्नर और यूनियन गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल में, और ना ही उन पे कोई केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन पे कार्यवाही और केस किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस वो कन्विक्टेड प्रूफ ना हो। और आरोप सिद्ध होने के बाद सीएम की पोस्ट से अरविंद केजरीवाल को रिजाइन देना पड़ेगा। और इससे पहले गुजरात में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो आने वाले 6 साल तक वो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कोर्ट की जजमेंट को पलट दिया। और इससे पहले 1997 में बिहार के सीएम लालू प्रसाद चारा घोटाला में कन्विक्टेड प्रूफ हुए थे, और उसके बाद लालू प्रसाद को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। और रिजाइन देने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनाया था। तो अब उस केस के बारे में जान लेते हैं जिस केस की वजह से आम आदमी पार्टी के सदस्य जेल में गए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसके तहत प्राइवेट फर्म और एंटरप्राइज कंपनीज लीकर बिजनेस में एंटर कर सकती हैं। और इस पॉलिसी का जो मेन एम था वो था एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो बूस्ट हो जाए। और ऐसा कहा जा रहा था कि इस पॉलिसी से जो रेवेन्यू में ग्रोथ होगी वो 9,500 करोड़ से ज्यादा होगी। और इस पॉलिसी की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट पर जो आरोप है अपोजिशन पार्टी के द्वारा वो ये है कि जो लाइसेंस दिए गए हैं वो पैसे लेकर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया है दिल्ली लीकर स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग का। और उनपे ये भी आरोप है कि 100 करोड़ के अमाउंट साउथ ग्रुप ने पे किया है उनके गोवा इलेक्शन कैंपेन में। और ईडी ने फाउंड किया है कि 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी ने यूज किया है गोवा असेंबली इलेक्शन 21-22 में। तो अगर अरविंद केजरीवाल कन्विक्टेड प्रूफ होते हैं तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अरविंद केजरीवाल तो अरेस्टेड हो गए हैं जो कि सीएम है दिल्ली के, तो अब दिल्ली का सीएम कौन रहेगा? तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद की तरह अरविंद केजरीवाल भी अपनी वाइफ को सीएम बनाएंगे। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और ये जब हुआ है जब अरविंद केजरीवाल ने मैं भी केजरीवाल का नारा डोर टू डोर स्टार्ट कर दिया था। और आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है कि 2.4 मिलियन हाउस होल्ड को कवर कर लिया गया था इस कैंपेन के थ्रू। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस और ईडी दोनों आता है, तो वो किसी पे भी इनकम टैक्स का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा के अंदर कर देते हैं ताकि उनका नाम खराब हो जाए मार्केट में और उनको कम से कम वोट मिले इलेक्शन में। और दिल्ली के सीएम को इतनी रात को अरेस्ट कर लेना कहीं से भी सही साउंड नहीं करता है, क्योंकि इस तरीके से जिनको अरेस्ट करते हैं या तो वो आतंकवादी होते हैं या इंडिया छोड़ के भाग रहे होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ना तो आतंकवादी हैं और ना इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वो तो सीएम है ऑलरेडी। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 के बाद 95% केसेस इंक्रीज हुए हैं, और इनमें से मैक्सिमम केसेस अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट हैं। और आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2014 के बाद अभी तक 242 केसेस रजिस्टर हुए हैं, और 2014 से पहले सिर्फ 52 केसेस रजिस्टर हुए थे सीबीआई और ईडी के थ्रू। और इनमें से 24 केस कांग्रेस के अगेंस्ट है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जिनको अपना कॉम्पिटिशन समझती है उनको ईडी या सीबीआई के थ्रू हटाने की कोशिश करती है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट को एक्वायर करने के लिए धमकी दी गई है कि उन पे सीबीआई और ईडी का केस चालू कर देंगे। पर अभी हाल में ही इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन दिया है और उन्होंने सेम बातें बोली हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव पे सीबीआई और ईडी के केस चल रहे हैं। तो इन सभी चीजों से ये लगता है कि अपनी पावर का मिसयूज है। लेकिन मेरा डाउट है कि ये इलेक्शन टाइम के समय ही क्यों, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से 6-7 महीने पहले भी तो अरेस्ट हो सकते थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बुजुर्गों की बात बहुत मानते थे। पहले ये वीडियो देखिए। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो शायद वो भूल गए होंगे कि बुजुर्गों का कहना है कि शराब बड़े से बड़े आदमी को बर्बाद कर देती है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही हुआ या गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।